गिरीश जी, जिस तरह से विपक्ष के लोगों का कहना है कि कांग्रेस के 17 विधायक है जिसमें से 2 बचे हुए हैं, तो अब ये रेस में ही नहीं है चुनाव के और इनके पास तो कैंडिडेट ही नहीं है, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? और गोवा वासियों से भी यह क्वेश्चन कांग्रेस के लोगों से पूछने के लिए कहा जा रहा है। ये जो बीजेपी ने पार्टी लाए है गोवा में, उनका टारगेट यही है कि वो कांग्रेस को टारगेट करे। सो एक तो बीजेपी टारगेट करे, जो भाई उनको समझे कि पहले एक पार्टी को लाया दिल्ली से, जब उनको पता चला कि उनका कुछ इम्पैक्ट नहीं हो रहा है फिर भी कांग्रेस जीत रही है, बाद में एक पार्टी को बंगाल से लाया गया अमित शाह के थ्रू, जिसके ऊपर एनफोर्समेंट डायरेक्टर का केस काफ़ी चल रही है, वो गोवा में आए, बहुत पैसे लेके आए, लेकिन पैसे प्रॉमिस करते हैं बाद में लोगों को नहीं देते है, लोगों को गुमराह कर रहे, सिर्फ कांग्रेस को टारगेट कर रहे, उनका उद्देश्य क्या है? एक बीजेपी से फाइट करने के लिए नहीं आए। सो जो लैंग्वेज बोल रही है उनका स्क्रिप्ट बीजेपी से मिलता है उनको, और वो कांग्रेस को टारगेट करते हैं। उनको जो भी टारगेट करे कि गोवा को लोगों को ये समझ नहीं पाए अब तक, और गोवा के जो लोग गए, जैसे नेहरू जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि अजीब है गोवा के लोग, तो टीएमसी और ये सब जो पार्टियां आई है उनको चुनाव के बाद पता चलेगा कि वो लीडर को परचेज कर सकते हैं, गोवा को वोटर को परचेज नहीं करेंगे, गोवा की जनता वो पैसे से नहीं मिलेगी उनको, वो जो मतलबी लीडर्स है तो अपने आप को बेचने के लिए वो ऑक्शन को खड़े है, उनको ही वो खरीद कर सकते हैं, गोवा को लोगों को वो परचेज नहीं कर पाएंगे। तो अगर गोवा के लोग कांग्रेस की गवर्नमेंट यहाँ बनाते हैं तो क्या गारंटी कांग्रेस देती है कि अगर वो यहाँ की गवर्नमेंट बनाते तो आपके एमएलए फिर किसी और पार्टी और किसी का दामन ना थामे? हमने लोगों को वादा किया है इस चुनाव के बाद एक विधायक में भी हिम्मत नहीं होगी कि वो पार्टी छोड़ के चला जाए। अच्छा है, जो भी जाना चाहते हैं अभी जाने दो, और भी जाना है चाहते हो हम चैलेंज करें उनको, टीएमसी को, और कितने लोगों को आप परचेज करेंगे करो, जितनी हिम्मत है टीएमसी में कि वो हमारे लीडर्स को खरीद करे उनको खरीद करने दो, बीच चैलेंज करें। कांग्रेस पार्टी को छोड़कर लोग इस तरह से बाहर जा रहे हैं, पैसा बोली ऑप्शन, इवन इफ यू हैव मनी वी विल नॉट बाय, वी डोंट बाय एनीबडी विद वे आर जॉइनिंग, वी डोंट गिव देम वन नया पैसा, वी डोंट सेंड आवर टीम्स टू कोच देम, ऑफर देम मनी, दे आर अप्रोचिंग एवरी कांग्रेसमैन, बट ओनली दोज लीडर्स ऑफ कांग्रेस आर जॉइनिंग हु आर अवेलेबल फॉर सेल, वही लोग जा रहे हैं, जो हार्डकोर कांग्रेस में बचे हैं वो नहीं जा रहे। द ओनली पार्टी विच हैज टेकन अ बोल्ड स्टैंड से नो टू डिफेक्टर्स 2.5 years बैक, इज दैट नॉट अ डिसीजन? द कांग्रेस पार्टी इज द फर्स्ट पार्टी टू डिक्लेयर द कैंडिडेट्स, इट इज नॉट अ डिसीजन? सो इट इज फॉर द स्क्रिप्ट ऑफ द बीजेपी विच दे आर गिविंग टू देयर ए पार्टी बी पार्टी टू जस्ट टारगेट कांग्रेस ऑन द वेरियस रीजन्स, सो दे फाइंड द रीजन्स टू से इट पब्लिकली। So that's what those who are available for sale, so TMC will buy them, and so we challenge TMC, you go on buying our leaders, we don't care you, जितना पैसा है बीजेपी से लाओ और हमारे खरीद करो, फिर भी हम गोवा में हम चुनाव जीतेंगे, कितने करूँ देंगा, जितने जाए तितने विकते क्यों नहीं, आम्ही त्यांना परवाज करना, आमचे टार्गेट असा बीजेपी चे अटैक तो डायवर्ट जाऊचो ना, बीजेपी आम्ही दिसांदिस एक्सपोज करीत रावतले, टीएमसीन आमका डायवर्जन करपा खातीर कितल्यो टॅक्टिक्स करच्यो, आम्ही आमचे जो फोकस असा बीजेपीक एक्सपोज करपाचो आज सुद्धा नंतर एक्सपोज केला आम्ही, सो आम्ही एक्सपोज करतकर टीएमसी आम आदमी पार्टी यांक चढ दुःख जाता बीजेपी परस। See, I have already decided that I am going to contest from all the 40 constituencies. I am very clear on that. We have just had a meeting of him and the Panjim Block president, and there was some confusion in that. That issue is resolved. He'll continue to go do his work. आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।